सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ, जहां पे सवाल ये था कि आपके हिसाब से यार सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा है। अगर हमसे बात करता हूँ भैया बजट रेंज में, तो बोला है आप से 56% ने ये सैमसंग कर रहा है। रियली बाकी घर कम वोट्स मिले हैं बाकी सभी ब्रांड्स को। आज का यार मेरा आपसे सवाल सीधा सा ये है कि आपके हिसाब से इंडिया में 5G कब आएगा, मतलब क्या वो अभी आ जाएगा जुलाई अगस्त के टाइम पे, या साल के एंड तक, या अगले साल, या 2024 से तो पहले ही आएगा। बताना दोस्तों आपको जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले नथिंग फोन 1 को लेके, और यहाँ भैया फोन की इमेजेस वगैरह आ गई हैं, कुछ एक वीडियो वगैरह बन गया है, मतलब बहुत सारी डिटेल्स निकल के आ गई है नथिंग फोन 1 के बारे में। जहाँ दोस्तों पीछे इसके अंदर भैया लाइट्स वगैरह भी होने वाली हैं, मतलब यू नो ऐसा ग्लोइंग लाइट्स होने वाली है कैमरा के चारों तरफ, अलग 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 ये नोटिफिकेशन या मैसेजिंग या वायरलेस यू नो चार्जिंग वगैरह के लिए। इसके अलावा यहाँ पे वर्चुअल इवेंट जो इसका दोस्तों नाम है रिटर्न टू इंस्टिंक्ट, देखते हैं वैसे कि किस तरीके से नथिंग फोन 1 की पूरी कहानी रहने वाली है। यहाँ पर हमारे पास में फिलहाल अभी 5G स्पेक्ट्रम सर्विसेज जो हैं ये रोल आउट होने वाली हैं अगस्त सितंबर में, से दोस्तों बोला है हमारे जो हैं IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव उन्होंने। तो मतलब लगता है कि भैया काफ़ी सही सीन बन जाएगा। और यहाँ बोला है कि 13 सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पर सबसे पहले 5G आएगा, मतलब अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुड़गांव, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे। अगर आप यहाँ से हैं तो दिल पे हाथ रखिए और बोलिए अपने फोन को देखते हुए, 5G वाले फोन को देखते हुए, ऑल इज वेल। यहाँ दोस्तों हमारे पास में अभी गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाली है एक AI इनेबल्ड पोर्टल जिसका नाम है भविष्य। और यहाँ पर दोस्तों ये है पेंशनर्स के लिए बेसिकली, और मतलब यू नो काफ़ी यहाँ पे AI बेसिस के ऊपर आपको अलर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। जो पूरा पोर्टल है जो भी लोग पेंशन लेते हैं उनके लिए काफ़ी सही काम करेगा भविष्य नाम से। यहाँ पे दोस्तों जियो और BP ने पार्टनर कर लिया है जोमैटो के साथ में, जो जोमैटो की EV फ्लीट है भैया उसके लिए, जहाँ पर दोस्तों चार्जिंग स्टेशंस या बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस जो हैं वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो EV का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोस्तों डेवलप किया जाएगा, 12 शहरों में जो पूरे नॉर्थ इंडिया में है अलग अलग, वहाँ पे ये बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस होंगे। तो जियो और BP ने मिलके जोमैटो के साथ पूरी डील को अपना कन्फर्म कर लिया है। यहाँ पे भी यार वीवो X80 प्रो प्लस 5G दोस्तों लगता है कि ग्लोबली जो है वो जल्दी आ सकता है, जहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 इसके अंदर होने वाला है। और बाकी यार खैर अभी कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन लगता ये है कि वीवो जल्दी इसको लेके आ सकता है। और जो लॉन्च है वो अक्टूबर में होगा, थोड़ा सप्लाई चेन का पंगा चल रहा है राइट लेफ्ट शायद। यहाँ दोस्तों हमारे पास में भी सैमसंग गैलेक्सी F13 जो है वो लगता है कि इंडिया में बहुत जल्दी आ सकता है, फ्लिपकार्ट के ऊपर इसको टीज कर दिया गया है और लगता है कि जो स्पेसिफिकेशन है वो गैलेक्सी M13 जैसी होने वाली है, बट फ्लिपकार्ट के लिए F सीरीज़ है तो F13 वाला ये फ़ोन हो सकता है। यहाँ पे यार हमारे पास में व्हाट्सएप जो है विंडोज़ बीटा में इसके अंदर भी ऑटोमेटिक एल्बम्स का जो है पूरा ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे अगेन थोड़ा सा आपको चैट विंडोज़ वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए और यू नो क्लासीफाई करने के लिए फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह, मतलब थोड़ा सा ऐसा एल्बम वाला ऑप्शन मिल रहा है व्हाट्सएप के बीटा में विंडोज़ के ऊपर। यहाँ पे अगली खबर आती है हमारे पास में ऑटोमोबाइल को लेकर, यहाँ पे दोस्तों ARAI का जो है वो मिल गया है अप्रूवल, और यहाँ पे एडम वेडर जो है ई बाइक ये लॉन्च करने वाले हैं बिना किसी क्लच के बगैर। तो यहाँ पे अभी 90% दोस्तों यहाँ पे इंडिजनसली मेड नो कंपोनेंट्स हैं, और 2.4 किलोवाट आर का इसमें बैटरी पैक लगा है। तो आई मीन काफ़ी अच्छी लगती है बाइक, ये 75,000 रुपये की है और इंडियन स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे ऐसे EVs के, तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। अभी यार हमारे पास में ड्यूअल सेंस प्रो, सोनी जो है वो अपना एक नया कंट्रोलर लेके आ सकता है और बेहतरीन यू नो अपडेट्स के साथ में। तो ऐसे में लगता है कि शायद जून एंड तक ये अपग्रेडेड हार्डवेयर वाला ड्यूअल सेंस प्रो जल्दी मिलेगा हमको। हमारे पास में सैमसंग गैलेक्सी S22 FE, जो भैया फैन एडिशन के फैन है ना उनके लिए शायद एक बैड न्यूज़ हो सकती है। अगर हम माने रिपोर्ट्स की तो भैया ये शायद कैंसिल कर रहा है सैमसंग,
क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या हो रहा है भैया पता नहीं, बट शायद एफ ई सीरीज जो है वो सैमसंग डिसकंटिन्यू करने वाला है हमारे पास में। तो यहाँ पे एल जी की एक टैबलेट है जिसका कोड नेम है प्रोजेक्ट जेटा, ये सामने आई है और इसके अंदर स्नैपड्रैगन 680 वाला प्रोसेसर, साथ में 7000 mAh की बैटरी वगैरह है। तो मतलब देखते हैं किस तरीके से ये जेटा काम करती है। और रैम स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 4 और 128 का होने वाला है। वैसे टैबलेट्स के अंदर लिनोवो एंड्रॉयड साइड में, मतलब अगर हम बात करें सेल्स वेल्स की, और एप्पल तो है ही, खैर आईपैड वाला आप जानते हैं दुनिया का बेस्ट टैबलेट है यार वो हमारे पास में। यहाँ पे दोस्तों अमेज़फिट GTR 3 प्रो का एक लिमिटेड एडिशन आ गया है फ्लैट स्क्रीन के साथ में, लेदर स्ट्रैप के साथ में। $250 की इसकी प्राइस रखी है भैया, बहुत महंगी है ये वॉच अमेज़फिट GTR 3 प्रो। यहाँ पे अभी यामा ने लॉन्च कर दिया दोस्तों इंडिया में अपने कुछ नए TWS, जहाँ पे हैं TWE3B और TWE5B, जो कीमत है वो है ₹8,400 E3B के लिए और ₹14,200 E5B के लिए। मल्टीपल दोस्तों यहाँ पे कलर्स में अवेलेबल हैं और ऐसे में 6mm के डायनेमिक ड्राइवर्स वगैरह भी हैं। देखते हैं वैसे यामा के साउंड नो वाला जो प्रोसेसर होता है कई बार काफ़ी अच्छे से काम करता है हमारे पास दोस्तों। यहाँ पे भी एप्पल का जो नया एंट्री लेवल आईपैड होने वाला है ना, उसमें A14 चिप होगी, 5G कनेक्टिविटी के साथ में आएगा, USB-C पोर्ट के साथ में आएगा। तो मतलब जो बजट वाला आईपैड होगा वो भी अभी सी टाइप पोर्ट वगैरह और यू नो 5G के साथ में काफ़ी सही तरीके से एप्पल जो इंटीग्रेट कर देगा। बाकी क्या देखते हैं आईफोन में टाइप सी कब तक आएगी। यहाँ पे यार अभी फेसबुक जो है वो टिकटॉक जैसा कुछ रीडिजाइन प्लान कर रहा है, बोला टिकटॉक फेमस हो रहा है हम काहे नहीं हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे भी देखते हैं किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और फेसबुक में हमको टिकटॉक वाला फ्लेवर शायद देखने को मिल सकता है रीडिजाइन जो हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे भी दोस्तों हमारे पास में सैमसंग ने सैमसंग वॉलेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। वन स्टॉप शॉप है बेसिकली आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को पूरा मेंटेन करने के लिए, जहाँ पे यू नो पेमेंट मेथड्स, आपके पोर्टफोलियोज, बाकी और बहुत सारी चीज़ें, आपके टिकट्स वगैरह, ये वो मतलब आपका वॉलेट बेसिकली, अभी सैमसंग वॉलेट आ गया है इन सब चीज़ों का मैनेज करने के लिए हमारे पास। उस समय मोटोरोला का मोटो G32 जो है ये लगता है जल्दी लॉन्च होने वाला है, लीक हो गया है यहाँ पे NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे, यूनिसॉक का T606 इसके अंदर होगा। देखते हैं बाकी स्पेक्स मोटोरोला की तरफ से क्या होती है इसी फोन में। यहाँ पर दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है UPI और रुपए को लेके। यहाँ पर दोस्तों ये जो कार्ड्स हैं लगता है कि फ्रांस में बहुत जल्दी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों NPCI की जो ओवरसीज आर्म है उसने यूरोपियन कंट्री में भैया अभी एंट्री मार ली है फ्रांस में। तो मतलब जो आपके रुपए कार्ड्स हैं आगे चल के ना वैसे UPI और ये जो पूरा है ना दुनिया भर में छाने वाला है, वैसे फ्यूचर के अंदर बहुत सही काम होने वाले हैं। वैसे UPI जो है वो ऑलरेडी भूटान और सिंगापुर में तो भैया एक्सेप्टेड है ही, तो काफ़ी सही लगता है दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, ये देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।